हेलो फ्रेंड्स तो आज आपके लिए वापस नया एक चैप्टर सी के लिए पेश कर रहा हूं आपको चैप्टर नंबर सिक्स एंड चैप्टर नंबर सेवन ये चैप्टर दोनों मर्ज किया है थोड़ा थोड़ा कंटेन ही सीएटी के लिए उतना मैं कंटेन आपको आज पढ़ाता हूं और एमसीक्यू लेता हूं तो यहां पे देखो प्लांट वोटर रिलेशन जाएंगे हम लोग सो so, प्लांट सेल अभी यहां पे देखो इलेक्सर ऑफ लाइफ वाटर को क्यों बोलते हैं बिकॉज प्लांट कंटेन नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ वॉटर और ये जो वॉटर है इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू ऑल द मेटाबोलिक एक्टिविटी बायोकेमिकल एक्टिविटी जो भी होती है प्लांट में ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा फ्लावरिंग सीनेसन एप्सिशन सेल डिविजन सेल इलाशन ये सब एक्टिविटी जो होती है प्लांट में प्लांट की जो टर्जिडिटी है ये सब मेंटेन किया जाता है बिकॉज ऑफ वाटर इसलिए उसको इलेक्सर ऑफ लाइफ इलेक्सर्स ऑफ लाइफ बोला जाता है ओके तो यहां पे देखो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर देखेंगे यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ वाटर तो वाटर की प्रॉपर्टी तो पहली वाटर की प्रॉपर्टी वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में तो लिक्विड फॉर्म में रहता है वाटर एंड इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वंट इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इट इज अनर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ द न्यूट्रल पी एच तो इसका जो पी एच है इसमें कुछ भी मिनर नहीं रहेगा प्योअर फॉर्म में जो वॉटर है दे आर न्यूट्रल सो इट इज अ बेस्ट सॉल्वेंट बेस्ट बफर सोल्यूशन वॉटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजोल्व मिनरल्स एंड फूड मटेरियल तो यहां पर देखो जो भी डिजोल्व फूड मिनरल फूड मटेरियल है ये वॉटर में ट्रांसपोर्टेड इज अट मीडियम ये भी एमसी पी पूछा जाता है ध्यान रखो आप वॉटर एक्ट एज अ बेस एक्वेस मीडियम फॉर ऑल बायो केमिकल रिएक्शन तो वॉटर एक्ट एज अ बेस एक्वेस मीडियम फॉर ऑल बायो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल वाटर इज एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटो सिस्टम क्या फोटो सिंथेसिस में सबसे इसेंशियल रॉ मटेरियल रहेगा वो क्या है वाटर वाटर हैज हाई स्पेसिफिक देखो ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में हाई स्पेसिफिक हीट हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई हीट ऑफ फ्यूजन इट इज थर्मल बफर एक्ट अ थर्मल बफर Water molecule also have good adhesion and cohesion, good adhesion and cohesion force, hence help in a capillary movement of water. तो so, ये कुछ गिनीचुरी मैंने आपको property बताई water के बारे में. Okay, now the next slide पे हम लोग जाते हैं. The region of root. वॉटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन इन द प्लांट्स इज अ रूट तो यहां पर देखो वॉटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन कौन सा है प्लांट में रूट में रूट में रूट इज अ मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन द्लांट्स और इन अ फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट हाइड्रोफाइट फ्लोटिंग जो रहते हैं उसको भी रूट रहते हैं तो वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन है इन एपीबायोटिक प्लांट्स एपिबायोटिक प्लांट के हैंंगिंग रूट रहते ओके हैं। okay, वो हैंगिंग रूट स्पेशल वेलामेंट टिश्यू रहते एंड दिस वेलामिंट टिश्यू एब्सॉर्बिंग एटमोस्फेरिक वाटर एटमोस्फेरिक वाटर सो यहां पर देखो प्लांट सो अब मैंने क्या बोला वेलामेंट टीश्यूटिक प्लांट में कौन सा रहता है वेलामेंट इश्यू जो वाटर को एब्सॉर्ब करता है तो हम लोग देखेंगे मेन रीजन ऑफ द प्लांट रूट द फर्स्ट रीजन इज अ रीजन ऑफ रूट कैप मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बताना तो यहां पे रीजन ऑफ रूट कैप इट इज अल्टी सेल्यूलर कैप प्रेजेंट ऑन टीप ऑफ द रूट ओके सेकंड रीजन ऑफ इसको सेल डिजन रीजन बोलते हैं इन दिस रीजन द मेरिस्टमेटिको रिपीटेड माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म न्यू सेल्स इट इज पार्शली प्रेजेंट इन द रूट कैप पार्शली प्रेजेंट अबाउट द रूट कैप नेक्स्ट बने रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन जो रेड कलर में दिखा है आपको मैंने रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन में जो न्यूली फॉर्म मेरिस्टमेटिक सेल है

स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर ओके तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर के बाद हम लोग हम लोग देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर द रूट फॉर एब्सॉप्शन सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइन वाटर एंड कैपिलरी वाटर तो पहला है ग्रेविटेशनल वाटर द ग्रेविटेशनल वाटर मीन नाउ द वॉटर इज परकोरेटेड थ्रू द सॉइल पार्टिकल सॉयल पार्टिकल से परकोरेटेड होता है एंड रिचे टूवर्स द ग्राउंड वाटर टेबल्ड एज अ ग्रेविटेशनल वॉटर जो बारिश में जो बारिश धमधम गिरता है वो बारिश गिर के कहा जाता है पानी परकोरेटेड सॉयल एंड रिचेज टूवर्स द ग्राउंड वाटर टेबल ग्रेविटेशनल वाटर सेकंड्रोस्कोपिक वाटर द वॉटर इज टाइडली हेल्ड अराउंडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज अग्रोस्कोपिक वाटर next one is the combined water combined water present around the oxides present around the oxides of silica calcium magnesium is oxide is around present at called the combined water next one is the capillary water capillary means in between the soil particle the small gaps are present and this gap act as a capillary it is filled with the water called as a capillary water so along this gravitational water hygroscopic water combined and capillary water ओनली कैप्लरी वॉटर इज एवेलेबल टू द्लांट फॉर देयर एबसॉर्स वाटर यह भी अवेलेबल नहीं है यह भी अवेलेबल नहीं है यह भी अवेलेबल नहीं है सो दिज आर दम वॉटर अवेलेबल फॉर द प्लांट, प्लांट so some, uh, उसमें क्या याद रखने का कैपले वॉटर तो यहाँ पे देखो सेकंड आपको चैप्टर नंबर सेवन इतना ही कंटेंट था सिक्स में तो मैंने वो ले लिया अभी मैं यहां पर जाता हूँ प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रीशन पे जाता हूँ सो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर सेवन में जो यहां पे मर्ज किया है तो पहला टॉपिक है कैरेक्टर हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे फाइटो हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स आर रेगुलेटेड बाय सम फाइटो हार्मोन्स प्लांट में जो भी ग्रोथ है डेवलपमेंट है ये रेगुलेट कौन करता है सम फाइटो हार्मोन सम केमिकल सब्सटेंस ओके दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ए प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स सो नाउ द प्लांट फाइटो हार्मोन द वर्ड वाज कोइंड बाय थायमन किसने दिया था थायमन इन 1948 में तो हम लोग फाइटो हार्मोन्स के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के कैरेक्टर्सिस्टिक्स देखते हैं द फर्स्ट कैरेक्टर्सिस्टिक्स दीस आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायरिंग स्मॉल अमाउंट प्लांट में ये जो प्लांट फाइटो हार्मोन से दे रिक्वायर इन अ स्मॉल अमाउंट सबसे कम अमाउंट में चाहिए दे आर हार्मोन में रेगुलेट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ तो प्लांट में कोई फ्लावरिंग के लिए एक ही हारमोन अलग अलग रोल अदा करता है ओके सिंगल हार्मोन में रेगुलेट डिफरेंट हारमोन सिंथोसाइज अंडर जेनेटिक कंट्रोल जेनेटिक कंट्रोल के अंडर सिंथोसाइज होता है बट दे आर इन्फ्लुएंस बाई इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वायमेंटल फैक्टर भी उतना ही मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फॉर दिंथेसिज दिसमोन्स तो यहां पर देखो टाइप्स ऑफ फाइटो हॉर्मोन्स फाइटो हॉर्मोन्स में ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनिबिटर कौन से हो देखो ये भी क्वेश्चन आता है ऐसे तो ऑक्सीजन जिबरलिन एंड साइटोकाइन ऑल दे आर ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन ग्रोथ इनहिबिटर कौन से एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन देन द ग्रोथ इनहिबिटर्स तो हम लोग यहां पे पहला हार्मोन्स देखते हैं ऑक्सिन सो ऑक्सिन आर द फर्स्ट फाइटो हार्मोन्स टू बी डिस्कवर तो कोई भी हार्मोन कभी भी क्वेश्चन आया विच फर्स्ट हार्मोन फर्स्ट आया तो इतना याद रखने का ऑक्सिन याद रखने का ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन आर द वीक ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस नेचुरली बाय प्लांट्स वीक ऑर्गेनिक एसिड से प्रोड्यूस प्लांट्स नेचुरली प्लांट प्रोड्यूस करता है केमिकली आर इंडोल डिराइव तो ये केमिकली कैसा है इंडोल तो इसके लिए इसलिए इंडोल थ्री एसिडिक एसिड नेपटोलिन एसिडिक एसिड ये सब नाम इससे इंडोल थ्री एसिडिक एसिड याद रखो एन ए नेप्तिन एसिडिक एसिड ये नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन है ऑक्सीजन आर सिंथेसाइज फ्रॉम देयर प्रिकसर ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन चाहिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के लिए प्लांट में सो इट एसिड इज रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन ओके एंड नाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसलोकेटेड इन पोलर डायरेक्शन पोलर डायरेक्शन में टिप में प्रोड्यूस होता है और रूट की तरफ ये क्या होता है ट्रांसलोकेटेड होता है ओके तो फर्स्ट टाइम इन 1928 एट डब्ल्यू डब्ल्यून

तो उसको एविना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं एफ एन की टेस्ट कौन से एविना टेस्ट तो हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं वन वन बाय के फिजियोलॉजिकल टेस्ट पे जाते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन पहला है रूट इनिशिएशन देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है मिक्सअप पूछा जाता है तीन चार ऑप्शन में है, तीन ऑप्शन एक के रहेंगे तो एक बाहर का रहेगा जिपरलिन साइटोकाइन ऐसे कुछ भी रहेगा तो इतना को फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन का परफेक्ट क्या है जिबरलिन का क्या है साइटोकाइन का क्या है और का क्या है तो पहला रूट इनिशिएशन तो राइजोजेसिस बोलते रूट इनिशिएशन को तो स्टेम कटिंग में ऑक्सीजन यूज किया जाता है स्टेम कट करके वो ऑक्सीजन में डुबाया जाता है और लगाया जाता है फॉर अर्ली इनिशिएशन ऑफ रूट तो स्टेम कटिंग में रूट इनिशिएशन में फ्लावरिंग सम प्लांट में फ्लावरिंग इनिशिएट करता है पार्थिनो कार्पी चिपरलिन का मेन काम है पार्थिनो मगर ऑक्सिन भी किसी किसी प्लांट में पार्थिनो सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए काम में आता है एग्जाम्पल एप्पल पेयर जो है उसमें ऑक्सिन यूज किया जाता है हर्बी साइड्स हर्बी मीन्स द स्मॉल डाइकोड हर्ब्स मारने के लिए टू फोर डी या टू फोर फाइव टी ये जो ऑक्जीन है सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये यूज किया जाता है मीन्स मान लिया कि पूरा राइस की खेती है या पूरी गेहूं की खेती है उसमें डाइकोड वीड्स है तो उसमें हर्बिसाइड साइड टू फोर डी यूज किया जाता है ये मोनोकॉट प्लांट को नहीं मारता है मगर मारता किसको है सिर्फ डायकॉट वीड्स को मारता है इसलिए देखो तो गोल्फ टफ बनाने के लिए ऑक्सीजन यूज किया जाता है गोल्फ टफ पे जो ग्रासेस है वो मोनोकॉट है तो उसमें डाइकॉट वीड्स मारने के लिए ऑक्सीजन यूज किया जाता है हर्बी साइड से टू फोर डी और टू फोर फाइव डी सेकंड सेल इलोंगेशन इट प्रमोट सेल इलोंगेशन प्लांट की ग्रोथ जल्दी फास्ट करता है

तो ये डोमिनेंस ही दिखाता है जब ऑक्सीन ही नहीं रहेगा ऊपर वाला पोर्शन कट हो जाएगा टीपी गया देन इट प्रमोट लैटरल ब्रांच ग्रोथ तो डोमिनेंस दिखाता है अपाइकल डोमिनेंस उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है ऑक्सीजन अर्ली रूट इनिशिएशन कैलस फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दोनों यूज किया जाता है मगर रूट इनिशिएशन के लिए ऑक्सीजन यूजफुल है सेल डिविजन एन ए ए प्रमोट सेल डिजन इन वैस्कुलर कैम्बियम तो वैस्कुलर कैमियम से एन ए ए बोलते हैं जैलम के लिए, Zylam parenchyma, Zylam Zylam की जो टिश्यूज है बनने के लिए डिफ्रेंशिएशन के लिए ऑक्सीजन आर मेनली यूज तो यह हुआ आपका ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो हम लोग सेकंड फाइट हॉर्मोन पे जाते सेकंड हार्मोन का नाम है जिबरलिन नाम क्या है इसका जिबरलिन 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 सेकंड सो फर्स्ट डिस्कवर इन जापान बाय कुरोसोवा 1928 में कुरोसोवा ने ये डिस्कवर किया था फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फुजिकोरा जिब्रेला फुजिकोरा फंगस है इट इन्फेक्टेड टू द राइस प्लांट एंड प्रोड्यूस

सो इट फंगस दिस फंग फुजी को रहा हैॉड इज बेकनी डिजीज़ सो जिबरिन ट्रांसपोर्ट इन नॉन पोलर डायरेक्शन टिप से रूट से रूट से टिप डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्टेड होता है इन प्लांट हंड्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिबरलिन रिपोर्टेड टिल डेट अभी तक हंड्रेड डिफरेंट जिबरलिन अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर किए थे इसलिए जिबरलिन एक ही नहीं जिबरलिन जिबर्लिन के बहुत सारे टाइप्स है सो so, हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं जिबरलिन का पस इज ए फ्रूट ग्रोथ तो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है फ्रूट ग्रोथ तो कह देखो मार्केट में फ्रूट मिलते हैं आपको बड़े साइज के तो जिबरलिन यू अप्लाई किया जाता है फ्रूट ग्रोथ के लिए माल्टिंग तो जिबरलिन थ्री जो है इंक्रीज माल्ट प्रोडक्शन इन बार्ली सिल्डिंग बार्ली ग्रेन में मार्ड बढ़ाता है माल्ट बढ़ा है तो अल्कोहल प्रोडक्शन भी बढ़ता है तो माल्टिंग के लिए जिबरलिन यूज किया जाता है इट डिले राइपनिंग जिबरलिन को डिले करता है और को डिले करता है। okay. करता है dormancy, dormancy करता है ओके रैपिड किसी प्लांट में ऑफ ऑफ ब्रेकिंग ब्रेकिंग जर्मिनेट के लिए इलांग्रॉफ तो यहां पे कुछ प्लांट है उसको इलांगेटेड करने के लिए टॉलनेस करने के लिए जिबरिन अप्लाई किया जाता है पार्थिनोकार्पी पार्थिनो जिबरलिन सबसे बेस्ट है ग्रेप्स एप्पल इस पेयर में जो सीडलेस फ्रूट बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवर इन फ्रूट कॉल्ड सीडलेस फ्रूट या पार्थिनो स्टेम एंड लिव ग्रोथ जिबरलिन प्रमोट करता है बोल्टिंग बोल्टिंग में जिबरलिन इंडस्टेम इलांगन ये इंड्यूसेम इलांगेशन करता है इन रोजेड प्लांट लाइक बीट एंड कैबेज सीड जर्मिनेशन के लिए प्रमोट करता है जिबरलिन दूसरा सेक्स एक्सप्रेशन ये मेलनेस इन सम प्लांट प्लांट में मेलनेस बढ़ाता है तो मेल फ्लावर ज्यादा आएंगे उस प्लांट को फीमेल फ्लावर कम हो मेलनेस ज्यादा बढ़ाता है जिबरलिन बढ़ाता है साइटोकाइन उसके अलग है साइटोकाइन फीमेलनेस बढ़ाता है यह मेलनेस बढ़ाता है तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे फाइटो हारमोन पे साइटोकाइनिन नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन इट ट्रांसपोर्टेड इन पोलर डायरेक्शन कंप्लीटली ऑक्सीजन के अपोजिट है ऑक्सीजन टिप टू रूट जाता है ये रूट टू टिप जाता है ओके okay? और एपिकल डोमिन को यह तोड़ता है ऑक्सीजन के इफेक्ट को सो so, uh, जो प्लांट में टे किया था उसको साइटोकाइनिन बोलते हैं फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज जो काइनेटिन क्या बोलते हैं एनिमल में काइनेटिन तो हम लोग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं साइटोकाइन के फर्स्ट ट्रांसपोर्ट साइटोकाइनिन फेवर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट को ये फेवर करता है जब किसी प्लांट में साइटोकॉन ज्यादा होगा वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे फेवर करता है ऑर्गेनोजेनेसिस टिश्यू कल्चर में यूज अलोंग विद द ऑक्सिन दोनों का प्रोपोर्शन सेम रहेगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कैलस बनता है साइटोकिन ज्यादा रहेगा तो पहला आएगा बाद में रूट रूटाइन तो इट हेल्प इन ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गेनोजोनेसिस इट डिले द दिनेस दे किसी भी प्लांट ये क्या करता है डिले द सीनेस इट प्रमोट द सेल डिविजन इट प्रमोट द लेट्रल ग्रोथ सेक्स डिटर्मिनेशन करता है तो सीनेस एंड एप्सिशन उसके बाद हम लोग जाएंगे यहां पे देखो ध्यान दो इथिलीन इथिलीन इज अन्शियस हार्मोन गेन ने डिस्कवर किया था इथिल फ्रॉम द राइपनिंग फ्रूट से इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखो पहला राइपनिंग ऑफ फ्रूट पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में इथिलीन इज ऑफ फ्रूट इट इंक्रीज दिनेस इट प्रमोट इट इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इट इंक्रीज द एप्सिशन एंड सीनेस इट रूट ग्रोथ लेस कॉन्सेंट्रेशन इथिलीन रहेगा ट्रेशन इथिलीन इनक्रीज द रूट ग्रोथ प्रमोट हॉरिजेंटल ग्रोथ इन दिडलिंग इनिबिट फ्लावरिंग फ्लावर को इनिबिट करता है इट कॉज अपोजियोट्रॉपिजम देखो जो भी रूट है वो ग्रेविटेशन के थ्रू तो ग्रो होता है क्योंकि सेंसिटिव टू द ग्रेविटी मगर ये अपोजिट काम करता है इट रूट लैक देर सेंट टू ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटेशनलिटेशनल तो इथिलीन उसका सेंसिटिविटी है ग्रेविटेशन की तरफ ग्रो करने की वो ही निकाल देता है उसको एपो बोलते हैं तो ये हुआ एथिलीन नेक्स्ट हार्मोन हम लोग देखते हैं एब्सिसिक एसिड सो एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन या उसको डोरमिन बोलते हैं बिकॉज़ इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन सो इट प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द प्लांट ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन

फोटोमोफोजेनेसिस देखो प्लांट आर सेंस प्लांट्स ग्रो टुअर्ड्स द लाइट क्वालिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्लांट कैन रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द लाइट क्वालिटी अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी दे आर ड्यूरेशन इसको क्या कर रहा है प्लांट रिस्पॉन्स करता है तो नाउ वॉट इज फोटोमोफोजेनेसिस

गीले में वो तो उसका ग्रोथ एबनॉर्मल होगा उसको फोटोमोर्फोजेिस बोलते हैं उसको बोलते हैं इन डार्क ऑफ स्टेम अनडिफ्रेंशिएशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अनएक्सपेक्टेड लीव्स दीज आर कॉल्ड फोटोमार्फोजेनिस फोटोमॉर्फोजेनेसिस इंड्यूस्ड बाय रेड एंड फार रेड फाइटोक्रोम हार्मोस और लाइट ब्लू लाइट ये इंड्यूस करता है ओके नाउ द फोटोमॉर्फोजेनेसिस स्टिमुलस इज परसीव इन द लीव्स बाय फोटो फाइटोक्रोम्स तो हम लोग फाइटोक्रोम्स के बारे में देखते हैं फाइटोक्रोम्स आर प्रोटीन दे आर कोवैलेंटली दे आर प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड कोवैलेंटली अटैच क्रोमोफोर्स ये क्या है प्रोटीन कंटेनिंग कंपाउंड कोवाइलेंटली अटैच क्रोमोफोर्स इट इज ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स ये कैसा है ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स है इट इज एग्जिट इन टू फॉर्म फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फारेड बहुत आर इंटरकन्वर्जेबल फाइटोक्रोम रेड

ओके इट प्रमोट द फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट बट इनिबिट इन लॉन्ग डे प्लांट उल्टा काम करता है तो फाइटोक्रोम रेड इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हाइल फाइटोक्रोम फार रेड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों का डिफरेंस है तो ये वो आपका आ, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग अभी जाएंगे एमसीक्यू पैटर्न पे जाएंगे ओके okay.

ओके okay, तो हम लोग नेक्स्ट जाता हूं मैं अभी नेक्स्ट वन अभी देखो ये टॉपिक है वाटर अवेलेबिलिटी तो रूट फॉर एब्स इसमें दो चार क्वेश्चन है वो देखते हैं द माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडिंग द रूट फ्रॉम माइक्रो एन रूट के अराउंड जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसको तो क्या बोला जाता है स्टेटोसपियर ये तो ओजोन लेयर का वहां पे है वो तो नहीं आएगा मेजोस्पियर नहीं आएगा क्या आएगा रूट क्या राउंड है उसको बोलते हैं राइजो स्पियर क्या बोलते हैं राइजो आंसर इज बी नेक्स्ट वाटर परकुलेटेड डीप ड्यू टू द ग्रेविटेशन इन द सॉइल इज कॉल्ड वाटर परकुलेटेड डीप ये प्लांट है ये जमीन है पानी अंदर गया राउंड वाटर अवेलेबल तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर नहीं कंबाइंड वाटर नहीं कैपिटल वाटर इसको क्या बोलते हैं वाटर इसका आंसर क्या है बी इजी एकदम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग अब आप देखो वॉटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइट ऑक्साइड्स ऑफ सिलिको एल्यूमिनियम हाइड्राइट ऑक्साइड के अराउंड प्रेजेंट प्रेजेंट विध ऑक्साइड्स उस वाटर को क्या बोलते हैं हेग्रोस्कोपिक वाटर नहीं कैपिलरी वाटर नहीं कंबाइन वाटर यस कंबाइन वाटर बोलते हैं तो ये आपको इजीली आंसर है फटाफट से दे दिया आप लोगों ने मैंने बताया आपको मगर मतलब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ आंसर दे रहे थे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन के वॉटर रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्सो बाय रूट इज तो कौन सा वॉटर रेडिली अवेलेबल है प्लांट को ग्रेविटेशनल वाटर है कैपिलरी वॉटर है रेन वॉटर है हाइग्रोस्कोपिक वॉटर है विच इज रेडिल अवेलेबल टू द प्लांट फॉर द एब्सॉप्शन इट इज ओनली विच एंसर यस कैपिलरी ओके तो आंसर इज बी कैपिलरी वॉटर चलो नेक्स्ट जाते वाटर हेल्ड टाइटली बाय द सॉइल पार्टिकल अराउंड देम इज नोन एज सॉइल पार्टिकल के अराउंड है उसको क्या बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी रेनवे वाटर हाइग्रोस्कोपिक वाटर है कैपिलर वाटर नहीं कैपिलर वाटर नहीं आएगा क्या आएगा हाइग्रोस्कोपिक वाटर ओके तो ये फटाफट फ़्ट से हम लोगों ने देख लिया नेक्स्ट जाते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे अभी जाएंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे मोटर इसमें ग्रोथ प्रोमोटर कौन सा है ऑक्सीजिन साइटोक एसिड एफिक्रोथ प्रोमोटर आएगा ही नहीं जुबरलिन साइटोकाइनिन सी टू एच फोर ये भी ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है सी टूच फोर ए भी ये भी नहीं है इसमें ग्रोथ प्रोमोटर ऑक्सीजिन साइटोकाइन एंड जुबरलिन यहाँ तीनों ग्रोथ प्रोमोटर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा इसका डी क्या आंसर आएगा डी नेक्स्ट देखो विच वन इंक्लूड ग्रोथ इनिबिटर्स में ग्रोथ इनिबिटर कौन से एप्सोसिक एसिड साइटोकाइन साइटोकाइन तो ग्रोथ प्रमोटर है चिपरलिन ये भी ग्रोथ प्रमोटर है एप्सोसिक सी टू ये भी ग्रोथ प्रमोटर है इसमें नॉन ऑफ दिस ये ग्रोथ प्रमोटर है ग्रोथ इनिबिटर नहीं है सी एच तो नॉन ऑफ दिस आंसर इसका क्या आएगा नॉन ऑफ दिस हार्मो इन्वॉल्व इन इज लाइट की तरफ प्लांट को ग्रो करने वाला हार्मोन कौन सा है तो यहां का जो डिस्कवर किया था वो डार्विन डार्विन ने किया था। इसने किया था था बाय स्टडिंग दोटोट्रॉपिजम तो आंसर आएगा ए तो मैं आपको पता है डार्विन का मैंने मेंशन नहीं किया था वो मेंशन किया ए तो ये वो आपका ग्रोथ प्रमोटर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे ओके देखो इन कोलपटाइट टिश्यू ऑक्सिन इज कोलेपटाइट टिश्यू में नो ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज यूज इट इज मेड ट्रांसपोर्ट होता है नहीं ट्रांसपोर्ट होता है होता है ट्रांसपोर्ट यह भी आंसर नहीं है ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है नहीं ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बेस टू टिप बाय अस नहीं मोहसेस का तो कुछ काम ही नहीं प्रोड्यूस ग्रोइंग इन अपाइसेस ऑफ द स्टेम रीजन ऑफ द इट एक्शन विच हारमोन वॉज अ फर्स्ट आइसोलेट फ्रॉम द्यूमन यूरिन फर्स्ट हारमोन यूरिन से कौन सा गया था फर्स्ट हारमोन आएगा तो कभी भी एक्सिन रखो सोचो ही मत क्या आएगा ऑक्सीजन

उसके साथ ये सेशन खत्म करते हैं। तो 2018 में जो पूछा देखो सिलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस आया और अपाइकल आया तो आंसर क्या आना चाहिए 2018 में पूछा था अभी आप इस साल आंसर क्या दोगे आप लोग जिपरलिन इटली नहीं डॉमेंस आया hmm. तो कई अपाई का डॉमिन आंसर इज ए द वाटर प्रेजेंट इन द द फाइन स्पेसेस ऑफ स्मॉल नॉन कोलाइडल सॉइल पार्टिकल कॉल्ड कॉल वाटर मैंने क्या बोला द वाटर इज प्रेजेंट वाटर इज प्रेजेंट कहां पे प्रेजेंट है इन द स्मॉल नॉन कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज अ इसको क्या बोलेंगे हम लोग पिच वन इज कॉल्ड एज अ कौन सा आंसर ये ये है ये है कौन सा आंसर है द आंसर इज कैपिलरी वाटर इस वाटर को क्या बोलेंगे हम लोग कैपेलरी वॉटर आंसर क्या आएगा सी कैपिलरी वाटर चलो लास्ट प्रीवियस ईयर का एक बाकी रह गया वो लेता हूं मैं आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकोट विडिसाइट डाइकोटी साइट विडिस में आपको दो एग्जाम्पल बताया था डाइकोट को मैंने विग्जाम्पल भी बताया था कि गेहूं के फसल में राइस के फसल में या, आ, गोल्फ ट्रफ बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है कौन सा यूज किया जाता है, है? यस तो तो इसका आंसर आंसर क्या आएगा? 2, 4, इस ए 2, 4, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तीन ही थे बहुत कम थे और मैंने थोड़ा सा पीछे क्वेश्चन लिए तो ये टॉपिक छोटा सा है ज्यादा मास्क के लिए भी नहीं है फिर भी इसके दो तीन मार्क्स आराम से मिलेंगे आना चाहिए ओके तो आज के सेशन के लिए थैंक यू बाय टेक केयर